जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि एडवांस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और हमने काफी चीजें कवर कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए फिर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आज इंट्रो लेंगे सिर्फ। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, बात बंद करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमने क्या क्या पढ़ा, वीडियो क्या क्या पढ़ा, आउटलुक पढ़ा, एमएस एक्सेस पढ़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ लिया, अब लास्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके बाद से हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप के बारे में। ठीक है, तो अब चूंकि आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए मेरी भाषा में, फिर इसके भाषा में समझेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग ये थर्ड पार्टी ऐप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्षमता नहीं है डाटा स्टोर करने का, तो हमने डाटा को किसी लोकेशन पे सेव कर दिया विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और किसी भी सिस्टम पर बैठ के मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, चला पा रहा हूँ, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आपने गूगल ड्राइव पढ़ा है, गूगल ड्राइव डाटा स्टोर कर सकते हैं ईमेल आईडी में, नहीं पढ़े हैं, 15 GB का स्टोरेज होता है, तो डाटा वहाँ स्टोर हो, या आजकल रिसेंटली आया हुआ है, काफी फेमस हुआ है डिजी लॉकर, उसमें जो डाटा है वो आपके सिस्टम में है, आपके फोन में है, नहीं आप किसी भी फोन में लॉग इन करके आपका डाटा आ जाएगा, वो डाटा है कहाँ, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक हिस्सा है, यानी आपके डाटा की सिक्योरिटी कोई और ले रखा है, समझ गए ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, कहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, ये मतलब आपकी डिमांड पे उपलब्धता रखी गई है इसकी, आप कंप्यूटर सिस्टम रिपोर्ट स्पेशली इसका यूज किसके लिए है, डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट बाय यूजर, लार्ज क्लाउड ऑप्टेन है फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर द मल्टीपल लोकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि छतरी वाले कुछ लोग होते हैं और एक ही छतरी वाले 50 TV कनेक्शन लिए होते हैं, टीवी कनेक्शन वो लिए रहते हैं, है ना, मतलब खुद के घर में छतरी ना लगा के टीवी कनेक्शन वो लेते हैं ना। या ऐसे समझ लो पटना में एक एयरटेल का हब होगा और उस एयरटेल वाले ने गायत्री में भी नेटवर्क दिया हुआ है, रेलवे स्टेशन पे भी नेटवर्क दिया हुआ है, बैंक पे भी नेटवर्क दिया हुआ है कि नहीं है, और सबका जिम्मेदारी कौन लिया है, अकेला है, एक अलावा कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क वाली बात है ना, लेकिन मैं किसी बात कर रहा हूँ डाटा स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है। तो वही बोला है कि ओवर मल्टीपल लोकेशन, यानी अलग अलग लोकेशन पे रखे गए हैं, और किसी भी सिस्टम पर बैठ के आप उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों, चलाने इसका उपयोग कर पाए, समझ में आ गई बात ना। चलिए हिंदी में अगर समझ ले, हाँ इसमें भगवान क्या दिखाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कहा है, सिंपली पुट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूडिंग सर्वर स्टोरेज डाटाबेस नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। इतना लाइन लिख लो, यहाँ लिखिए जो हाईलाइट इस लाइन का मतलब समझिए, ओवर द इंटरनेट क्या कहा है, यानी बिना इंटरनेट के उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस टाइम इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। जैसे हाल ही हाल में देखा होगा आपने, कुछ ही साल पहले की अगर बात करें, लगभग 4-5 साल पहले, तो अक्सर कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती थी कि किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रेन में छूट गया, बस में छूट गया, पता नहीं क्या गया, कारण क्या था, वो लोग फोटो कॉपी ना करा के ओरिजिनल भी ले जाते थे, तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करने लगे, गूगल ड्राइव गूगल के द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है, तो वो भी थर्ड पार्टी ऐप ही मान सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है जिसपे डाटा लोग स्टोर करके रखते हैं और कहीं भी ईमेल आईडी एक्सेस करके उस डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं, बस यही है। चलिए और क्या कहा है, सिंपल एग्जाम्पल में, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एज सर्वर स्टोरेज डाटाबेस, इसका यूज क्या क्या है, सर्वर स्टोरेज डाटाबेस नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, इसके लिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मेक इट पॉसिबल टू सेव फाइल एट रिमोट सोर्स, यानी क्लाउड कंप्यूटर का काम क्या होता है,
स्टोरेज का काम करता है, लेकिन वो सारे स्टोरेज किस पे भी होते हैं, रिमोट बेस्ड सोर्स पे होते हैं। यानी रिमोट का मतलब समझ ना, हम आईडी पासवर्ड डाले, एक्सेस किए, यूज किए, बंद कर दिए, ये सारी चीज किस पे हो रही है, रिमोट बेस्ड हो रही है। किस पे हो रही है, रिमोट पे। जैसे क्लाउड डाटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव। तो एक काम करिए, क्लाउड यहाँ से लेके, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, जो सिलेक्ट किए हैं उसी को लिखना है और किसी को नहीं। एग्जाम्पल्स को हमें पढ़ना होगा कि क्या है, ठीक है, ये क्या है, उसमें एग्जाम्पल में हम लोग ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव, ठीक है। तो वही लाइन लिखा हुआ है, हिंदी में कर दिया जाए, इन हिंदी में अगर समझे, हिंदी देखो देखो क्या लिखा हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं हैं, जैसे डाटा स्टोरेज के लिए, सर्वर के लिए, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता संवर्धित करता है। मतलब अगर हम गूगल ड्राइव की बात करें तो डाटा हम स्टोर करते हैं, क्या वो डाटा हमारे सिस्टम में रहता है? नहीं रहता है, वो कहीं और सेव है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा को किसी भी सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आप उस डाटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। जैसे कि बड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज परचेज कर पाए, तो लोग क्या करते हैं, अगर एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे वहां शादी पड़ गई और तुम मेन्यू में काजू की बर्फी रखे हो, तो क्या करते हो, काजू की बर्फी मशीन खरीद लाते हो, जाके काजू पिरवा, वहां पे पिसवा देते हो, जो भी करते हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि बाकी टाइम तुमको यूज नहीं पड़ने वाला है काजू का मशीन। एक शादी पड़ी थी, काजू की पिसाई करानी थी, तो आप दुकान पे चले गए, पैसा देके पिसवा लिए, हुआ ना कि मशीन में खरीद लाते हैं। आप अगर आटा पिसवाना होता तो मशीन खरीद लाते होंगे, घर पे आटा पिस लेते होंगे। नहीं, जिनका बिजनेस वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस चक्की पे लेते हो, पिसवाते हो, करते हो ना, वही काम यहाँ पे। कि कभी कभी हम लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो मशीन, यानी कि वो डाटा, तो हम क्या करें, किसी को डाटा हम सेव कर दे कहीं पे और उसको हम रेंट दे, महीने का किराया दे, भैया हमारा डाटा संभाल के रखना, वो डाटा सेव भी रहेगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। यानी हम काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन डाटा कहाँ, कहीं और से। यही क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कि हम काम यहाँ कर रहे हैं और डाटा कहीं सेव वही हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी किसी और के हाथ में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर मंथ या एनुअली रेंट पे करना होगा, जैसा भी रेंट होगा उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ना क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, समझ में आ गया ना। जो लोग, जैसे मेरी संस्था में जान रहा हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैं ही बताऊँ, मेरी संस्था है, दो ही क्लास चलता है, तो मैं 5 टीचर अरेंज कर पाऊंगा? नहीं, मेरे बजट ही नहीं है, मैं बजट के हिसाब से ही टीचर रखूंगा ना। वैसे यहाँ पे अगर आपको स्टोरेज लग रहा है कि करना पड़ रहा है और इतना नहीं है कि आप उसको सोर्स ऑफ इनकम, जिससे उसको मेंटेन कर पाए, तो क्या करिए, आप रेंट ले लीजिए। जैसे बताओ, सर यही पढ़ाते हैं, पूरा रेंट पे है, तो रेंट का भाड़ा दे रहे, कहीं दे रहे हैं 50,000 रेंट ही जा रहा है ना। हाँ, अब उनको लग जाए सर को कि नहीं, ये चीज बेवजह जा रही है, 12 हर महीना देना ही है, तो क्या उनके दिमाग में आएगा, क्यों ना मैं एक जमीन ले लूँ और घर बनवा लूँ। यही हुआ ना, 50,000 बचेंगे नहीं महीने का, महीने का कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए बचेंगे। तो उन्होंने यही किया, एक जमीन ले लिया, घर बन रहा है, ठीक हो गया। तो जब यूज किए हैं तो क्यों रेंट देना, जब पर डे यूज किए तो हम खरीद लेंगे। जैसे तुम्हारे वहां रोज डेली काजू वाला काम होना है, तो आप मशीन ही नहीं खरीदोगे, क्यों पैसा खर्च करने जाओगे भाई। जैसे हम लोग कभी कभी जूस पीते हैं तो दुकान पे जाके गिलास जूस ले लेते हैं, लेकिन जिनके वहाँ डेली बेसिस पे, वो क्या करते हैं, वो मिक्सर खरीद लिए हैं, जूसर खरीद लिए हैं, उनको बाहर पैसा नहीं खर्च करना है, 2 रुपया, 5 रुपये। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डाटा स्टोरेज वाला, लेकिन कैसा ऐप है, थर्ड पार्टी है, यही डाटा कहीं और स्टोरेज। एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और डिजी लॉकर, ये चार एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि नहीं पढ़े थे हम लोग गूगल मीट, ऐसे पढ़े थे ना वन बाई वन करके, वही पढ़े। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। तो डिफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, तो दिक्कत, कल वाला क्वेश्चन आप लोग को सारा हो गया था, वो 17 हो गया था, एम एस एक्सेल वाला जो कल कर रहे थे, सॉरी आउटलुक वाला जो कर रहे थे, उन्हें सारा क्वेश्चन हो गया था, उनका 17 हो गया था ना। नहीं। 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 नहीं।
तो आप देख लीजिएगा क्लाउड क्यूब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वही बात बता दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये कितने प्रकार का होगा, देखा है क्लाउड कंप्यूटिंग ये चार मुख्य प्रकार है, निजी यानी पर्सनल, सार्वजनिक यानी पब्लिक, हाइब्रिड मतलब दोनों, जो दोनों यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है ना अनेक गुण धर्मों वाला, और चलती कहता है मल्टी क्लाउड। जिसके अंदर दोनों का गुण पाया जाता है, और मल्टी का मतलब हो गया जो सारा काम करे, और जो उसके अंदर दो ही गुण पाया जा रहा है। देखो दस यहाँ तीन ही दिया हुआ देख रहे हो ना, यहाँ मल्टी नहीं देगा क्योंकि हाइब्रिड का मतलब वही हो जाता है, पढ़ाए थे ना हाइब्रिड कंप्यूटर मल्टी टैलेंटेड, यहाँ तीन ही देगा। द मेन थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक मतलब सभी सार्वजनिक रूप से यूज करेंगे, प्राइवेट जो आप पर्सनली यूज करेंगे, और हाइब्रिड मतलब दोनों लोग कर सकते हैं। जी मेन टाइप्स में ये दिया हुआ है, लिख लीजिएगा द थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड। और यहाँ फुल फॉर्म लिख लीजिए तो IaaS का, पास का, सास का, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये सर्विस मिलती है, आस पास सास पास, ये कोई है लेकिन यार अभी क्या हो गया क्या करना होगा क्या करना आओ और बात करने का सुनिश्चित करेंगे और ये बात हो गया। पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड, और इसके जो मॉडल हैं वो भी फोर टाइप्स के लिए होंगे, सास आस पास IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और एक होता है जो सर्वरलेस, उसमें सर्वर की बात नहीं की गई है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। हाँ इसमें चौथा लिख लीजिएगा एक बार, हाइब्रिड क्लाउड में एक मल्टी मल्टी वाला जोड़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आती है इसकी। मल्टी क्लाउड लिख लीजिएगा एक, बढ़ा लीजिएगा मल्टी क्लाउड, एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा मल्टी क्लाउड एक बढ़ा लीजिएगा, कोई बात है कि देख लीजिएगा एक बार। अभी जाइएगा लैब में तो एक बार सर्च करिएगा इन सारों का, ऑप्शन का क्या एग्जांपल दिया है, डेफिनेशन क्या समझाया है। हाँ पब्लिक पब्लिक प्राइवेट तो समझ में आ ही रहा होगा, अब क्लाउड और सॉरी हाँ मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में एक बार डिटेल में देखिएगा, ठीक है वो देखकर चले यही करना है क्लास में बच्चों, ये बजा के क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में देखिएगा, बस एग्जाम्पल समझिएगा और कल क्लास में बताइएगा, कल हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू। आप